अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पेटीज। इसके लिए मैंने ये 250 ग्राम बोनलेस चिकन ले लिया है। मैंने इसका कीमा बना लिया है और ये मैंने थोड़े से हरे धनिया ले लिए हैं, थोड़ा सा पुदीना ले लिया है, ये दो मोटी मिर्च ले ली हैं, तीखी कम होती हैं। इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये मैंने आधा इंच का अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 5 से 7 मैंने लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, ये एक मीडियम छोटी साइज की प्याज मैंने इसको ले लिया है, ये आधा टमाटर ले लिया है। नमक आप अपने हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। ये आधा चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, ये 1/3 चम्मच मैंने काली मिर्च और वाइट मिर्च, दखनी मिर्च मतलब, इसका मैंने पाउडर बना लिया है। ये मैंने मिक्स हर्ब्स ले लिया है थोड़े से, और ये मैंने हल्दी ले ली है 1/4 चम्मच के करीब। इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मिक्स हर्ब्स डाल सकते हैं आप। और ये मैंने एक अंडा ले लिया है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम पुदीना, धनिया और ये मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज और टमाटर, इसको हम पीस लेंगे। तो मैंने अपने जार में डाल लिया, इसमें लहसुन, अदरक, प्याज और टमाटर ये भी डाल लेंगे। आप चाहें तो अलग भी पीस सकते हैं। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, बहुत ज्यादा बारीक नहीं किया है हमने, तो थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखा है। अब इसको हम अपने चिकन में डाल लेंगे सारे मसाले। हाथ मैंने धो लिया है, आप भी धो लें। इसी में ये हल्दी पाउडर भी हम डाल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर, और ये व्हाइट पेपर और ब्लैक पेपर पाउडर ये भी हम इसी में डाल लेंगे। मिक्स हर्ब्स लिया है, ये भी इसी में डाल लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने आधा चम्मच से कम नमक डाला है। अब इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे। इसी में एक अंडा भी डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह मिला लेंगे सारे मसाले। ये देखिए सारे मसाले हमने कीमे में अच्छी तरह से मिला दिए हैं। इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हमारे पूरे हो गए हैं, मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है। ये मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, मेरा होममेड है, आप भी आसानी से घर में ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर मिला लेंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जो मैंने पुदीना, हरी धनिया ये मैंने पीस के डाला था, हरी मिर्चें आप चाहें तो इसे कट कर भी डाल सकते हैं बारीक बारीक। सब मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब अपनी पेटीज बनाएंगे। इसमें हम हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे, छोटे बड़े आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसकी हम टिक्की बना लेंगे कबाब की तरह। देखिए ऐसी टिक्की हम बना के रख लेंगे सारी अपनी। ये देखिए मैंने पैन रख लिया है, ये हमने अपनी सारी पेटीज बनाकर रख ली हैं। ये मैंने पैन रख लिया है, इसमें 3 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से ब्रेड क्रम लगाएंगे सब में। अच्छी तरह से हम लगा लेंगे। इसको हम तेल में डाल देंगे। देखिए इसी तरह से और इस डालेंगे। आंच हमने स्लो कर रखी है, बहुत ज्यादा हाई हीट पे नहीं फ्राई करेंगे। देखिए इसी तरह हम सारे पीस में डाल देंगे। हाथों की मदद से भी आप डाल सकते हैं अच्छे से। इसी तरह हम अपने मिक्सर में निकाल देंगे। इसी
देखिए ये नीचे से हमारे अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, हम साइड चेंज कर देंगे। इस तरह हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। फ्राई हो गए हैं, हम अपनी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए सारी पैटीज हमने फ्राई कर ली हैं, अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। आप भी बनाइए, आप भी खाइए, अपनों को खिलाइए, बहुत ही अच्छी लगती हैं ये पैटीज। देखिए हमने प्लेटिंग कर ली इसकी, कटे हुए खीरे, टमाटर, पुदीना, नींबू, इसको गार्निश कीजिए। और ये रेसिपी भी हमारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी रेसिपी को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी कमेंट हैं आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।